Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा. आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा. गुड लक फ्रेंड्स, नाउ एंजॉय द वीडियो. चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एलिजिबिलिटी के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस नोटिफिकेशन दिस जॉब फॉर प्रिंसिपल एंड टीजीटी पीजीटी. सो लेट्स डिस्कस इन अ क्विक वे. ऑलराइट, सो फॉर प्रिंसिपल यू कैन सी हियर वी हैव लेवल 12. लीव द सैलरी राइट नाउ 35 टू मैक्सिमम यू कैन सी हियर 35 टू 50. ओके, essential qualification if you see master degree for recognized university with at least 45% marks in aggregate and B.Ed and equivalent. So जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं बार बार कि B.Ed है कि नहीं है, तो principal वाली post के लिए तो है भाई. अब बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपको experience ज़रूर चाहिए होता है principal post के लिए. अब vice principal के लिए आप लोगों को vice principal के लिए भी आपको experience की ज़रूरत है या नहीं है देखते हैं. ठीक है, 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका. यहाँ पर भी आपका B.Ed बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीटेट की कोई बात नहीं हो रही है. अब आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGTs के लिए. PGTs में भी आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर आपका B.Ed ज़रूरी मांगते हैं और जो अपर एज लिमिट है वो 40 है. यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपका 2 year इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड को भी होना चाहिए, ठीक है, जो MA या MSc वगैरह आपका होता है. यहाँ पर आप देखेंगे कि सीटेट की कहीं पे बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको B.Ed ज़रूर है, अगर आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया तो बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए, इसलिए अपना कम्युनिकेशन पे जोर देने की कोशिश कीजिए. फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें यहाँ चली रही हैं, ठीक है. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास में ये बी लेवल का कोर्स चल जाएगा ये, और BSc MSc, लेकिन यहाँ पे B.Ed की कोई आपको ज़रूरत नहीं है. फॉर TGT फिर से आप TGT पे आ जाते हैं कि जो कि बहुत ही ज़रूरी अभी है, वो है आपका CTET, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री, ये 50% मार्क्स की बात हो रही है और बाकी तो आप लोगों को पता ही है ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो CTET सेकेंड, ठीक है. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है, बट जिसको आता है वही उसी का सिलेक्शन होता है. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये बाकी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन अगर देखना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है. अगर आपके पास में सिंपली अगर आपके पास B.Ed है और फॉर टी जी टी यू नीड CTET, और आपका ये आपका TGT के लिए आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन PGT के लिए आपके लिए अगर आप PGT की बात करें तब नहीं ज़रूरी है, लेकिन TGT के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और B.Ed दोनों के लिए ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और अगर आप 35 या 40 की एज के होने वाले हैं या हो चुके हैं तो आप एक बार ज़रूर इसको ठीक से देख लीजिए. इस उसका लिंक, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ या और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक. और जिनको ये एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों की हर क्वेरी का जवाब इस चैनल पर देने वाला हूँ. बाय बाय एंड गुड लक.